तो हे गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? और बहुत दिनों से मेरे पास डीएम आ रहे थे, कमेंट्स आ रहे थे, काफी पहले से आ रहे हैं हीरो एक्सट्रीम से रिलेटेड या फिर और भी किसी बाइक से रिलेटेड, लेकिन ज्यादातर जो आ रहे थे वो हीरो एक्सट्रीम से रिलेटेड ही आ रहे थे, बिकॉज मेरे पास वही सेम बाइक है। तो लोगों के डाउट रहते थे इसके इंजन से रिलेटेड और पार्ट से रिलेटेड, और वो लोग उसके बाद कमेंट सेक्शन में लिखते थे जो भी उनकी प्रॉब्लम है, या फिर डायरेक्ट आके मेरे से इंस्टाग्राम पे बात करते थे। तो कभी कभी तो मैं उनकी प्रॉब्लम वगैरह सॉल्व करने में उनकी हेल्प कर देता हूँ जब मुझे पता होता है कि क्या करना चाहिए। बट बहुत बार ऐसा होता है कि जैसे किसी ने एक बार मेरे से पूछा था कि भाई मेरे बाइक का जो मीटर है, जो हीरो एक्सट्रीम का मीटर है, उसमें कुछ इशू आ गया था। तो मैंने बोला भाई अब इसमें तो मैं कुछ नहीं बता सकता, थोड़ा सा भी नहीं बता सकता, आपको जाके सीधा जहाँ से आप लोग सर्विस कराते हो वहाँ पे आपको दिखाना पड़ेगा। तो ऐसी जितनी भी चीज़ें हैं मुझे लगता है उनमें लोगों को प्रॉब्लम होती है। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदा है जिसके पास हीरो एक्सट्रीम है, उसका कोई बाइक का पार्ट टूट गया हो और वो सर्विस सेंटर गया हो, वहाँ पे उन लोगों ने ज़्यादा रेट बता दिया हो, तो वो बंदा प्रॉब्लम में आ जाएगा कि भाई अब मैं क्या करूँ, कहाँ से पार्ट ढूंढूँ। तो ये सारी जितनी भी चीज़ें हैं ना, इससे लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है यार। बहुत चीज़ें होती हैं, इवन कभी कभी मुझे भी हेल्प चाहिए होती है किसी चीज़ के बारे में, तो मैं कहीं नहीं देख पाता, मैं ऑनलाइन देखता हूँ किसी पार्ट का प्राइस, तो कहीं पे प्राइस अलग बता रहा है, कहीं पे कुछ बता रहा है। तो ये सारी चीज़ें शॉर्ट आउट करने के लिए मैंने सोचा क्यों ना यार एक कम्युनिटी बनाई जाए जहाँ पे जितने भी हीरो एक्सट्रीम 200S, इवन जो 160R है या फिर जो एक्सपल्स है, उनका एक ग्रुप बना दिया जाए, जितने भी लोग हैं जिनके भी पास वो बाइक है, ताकि वो लोग अपने डाउट वगैरह वहाँ पे पूछ सकें, या फिर बाकी लोगों का जो एक्सपीरियंस है वो शेयर कर सकें वो लोग उस एक पर्टिकुलर ग्रुप में, जिससे लोगों को हेल्प मिल जाएगी। जैसे अगर मैं ही हूँ, अगर मेरी बाइक में कोई पार्ट ख़राब हो गया और मुझे उसके बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है कि वो कितने का लगेगा, कहाँ से लगवाना चाहिए, क्या उसकी क्वालिटी वगैरह, ये सारी चीज़ें हैं, तो मैं डायरेक्ट जाकर उस ग्रुप में लिख दूंगा। और जिस भी बंदे ने वो ऑलरेडी काम कराया होगा, ऐसे ऐसा तो नहीं हो सकता कि वो एक पर्टिकुलर सी मेरी बाइक में ख़राब हुआ हो, क्या पता किसी और बंदे की बाइक में ख़राब हो गया हो, तो वो मुझे बता देगा उसका एक्सपीरियंस कि भाई मैंने यहाँ से वगैरह कराया था और ये चीज़ें थी। समझ रहे हो ना जो मैं कहना चाह रहा हूँ? तो मैंने सोचा यार एक ग्रुप बना देना चाहिए अब, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आते हैं यार मेरे पास, बहुत सारे DMs आते हैं, और बहुत लोग ये भी पूछते हैं कि भाई हीरो एक्सट्रीम ले या ना ले। और इसके ऊपर मैं ऑलरेडी 3-4-5-6 वीडियो बना चुका हूँ आराम से, बट स्टिल जो लोग नए आते हैं उनको नहीं पता। तो अभी जो मैंने इस वीडियो का टाइटल रखा है, दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर हीरो एक्सट्रीम 200S ओनर, तो जिनके पास भी हीरो एक्सट्रीम 200S है, इवन 160R है या फिर एक्सपल्स है, तो वो लोग उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रुप के बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ कि ग्रुप में कहाँ बनाने वाला हूँ। तो पहले मैंने सोचा था कि फेसबुक पे बना लेना चाहिए, फेसबुक पे मैंने सर्च करा था, हीरो एक्सट्रीम 200S से रिलेटेड कोई भी ग्रुप नहीं था, एक्सपल्स के बहुत सारे ग्रुप्स हैं वहाँ पे, इवन 160R के भी ग्रुप्स हैं, लेकिन जो उनके ग्रुप है ना उसमें रैंडम चीज़ें आ रही हैं यार, मतलब बाइक से रिलेटेड तो कुछ आ ही नहीं रहा है, कोई कुछ भी पोस्ट कर देता है, तो वो मुझे ठीक नहीं लगा। और ऐसा भी है कि आजकल फेसबुक लोग थोड़ा सा कम यूज़ करते हैं, तो उससे अच्छा ऑप्शन ये है कि मैं टेलीग्राम पे एक ग्रुप बना लूँ जिसमें ग्रुप की लिमिट भी बहुत ज़्यादा रहती है। पहले मैंने सोचा था कि टेलीग्राम पे एक चैनल बना लेना चाहिए, लेकिन चैनल में ऐसा रहता है शायद कि सिर्फ और सिर्फ जो बंदा, जो ओनर होता है चैनल का, वही सिर्फ उसके अंदर पोस्ट कर सकता है, लेकिन बाकी लोग नहीं कर सकते, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, हमें ग्रुप बनाना है। तो मैं एक टेलीग्राम पे ग्रुप बनाने वाला हूँ, ग्रुप का नाम या तो हीरो एक्सट्रीम रख दूंगा या फिर डेली राइडर ही रख दूंगा ग्रुप का नाम। तो जो वो ग्रुप होगा वो मैं पब्लिक रखूंगा, आप सर्च भी कर सकते हो, इवन मैं उसका लिंक भी नीचे छोड़ दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप लोग जाके उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। और ज्वाइन करने के बाद क्या होगा, अगर किसी बंदे का कोई डाउट है तो वो वहाँ पे पूछ सकता है, और जितने भी ओनर होंगे हीरो एक्सट्रीम के वो अपना एक्सपीरियंस वगैरह वहाँ पे शेयर कर सकते हैं। और दूसरा, ये उन लोगों के लिए भी ठीक रहेगा जो ये बाइक लेने की सोच रहे हैं, बिकॉज जिसको ये बाइक लेनी है वो एक बार ग्रुप में आए, ग्रुप को ज्वाइन करे, जितनी भी चैट्स हैं, लोगों के एक्सपीरियंस है, वो बंदा वहाँ पे रीड कर सकता है, और वो डायरेक्ट पूछ भी सकता है लोगों से कि भाई जिनके पास ये बाइक काफ़ी लंबे टाइम से है वो मुझे अपना एक्सपीरियंस बता दो, उसके बाद वो बंदा डिसाइड कर सकता है कि भाई उसे ये बाइक लेनी है या नहीं लेनी है। ठीक है, तो ये सारी बात होगी उस पर्टिकुलर ग्रुप के बारे में। उसके बाद एक और चीज़ है, वो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना कि जो वो ग्रुप रहेगा उसमें हम लोग सिर्फ हीरो एक्सट्रीम के ओनर्स को ही रखें या फिर और बाइक्स के ओनर को भी हम लोग वहाँ पे इन्वॉल्व कर लें, जैसे पूरा है, कोई अपाची वाला है, कोई एफजेड वाला है, जिससे वो लोग भी अपने डाउट वगैरह वहाँ पे क्लियर कर सकें, एक कम्युनिटी बन जाएगी अच्छी खासी, डेली राइडर कम्युनिटी बोल सकता हूँ यार मैं इसको, तो एक डेली राइडर की वहाँ पे कम्युनिटी बन जाएगी। और कम्युनिटी में ये भी होगा कि जैसे जो डेली डेली के लोग हैं वो आपस में मिलके मतलब राइड वगैरह प्लान कर सकते हैं, अभी तो नहीं, अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, क्योंकि कल ही मेरी एक बंदे से बात हुई थी, वो जहाँ मैं रहता हूँ उससे थोड़ा सा ही दूर रहता, तो उसने भी मेरे से बोला कि चलो भाई कभी राइड पर चलते हैं, मैंने बोला भाई लॉकडाउन खत्म हो जाए मैं तो खुद वेट कर रहा हूँ कभी राइड वगैरह पर जाने का। तो ऐसे लोग इंस्टाग्राम पर भाई मेरे से बात करते हैं, लेकिन इंस्टाग्राम में क्या होता है कि वो और मैं ही बात कर पाएंगे, बाकी लोग तो नहीं कर पाएंगे। तो एक ग्रुप बना देंगे टेलीग्राम पे इसका, जिससे सारे के सारे लोग आपस में कनेक्ट हो जाएंगे, रोज नए नए लोग भी जुड़ते रहेंगे, वो भी अच्छा रहेगा, और अपना अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करते रहेंगे, क्योंकि लिटरली बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं हीरो एक्सट्रीम पे, हीरो एक्सट्रीम के रोज़ मेरे पास एक कमेंट आ जाता है, जो मैंने वीडियो बनाई थी हीरो एक्सट्रीम जो मेरी ख़राब हो गई थी उस पर रोज़ एक कमेंट आ जाता है कि भाई मेरे साथ भी ऐसा कुछ हो गया, रोज़ तो नहीं मतलब हर एक हफ्ते में एक कमेंट आ जाता है कि मेरे साथ सेम प्रॉब्लम हुआ गियर वगैरह टूटने का, कोई कहता है कि
भाई मैं 20,000 किलोमीटर चला चुका बट अभी तक मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। तो फाइनल ये है कि मैं टेलीग्राम पे एक ग्रुप बनाने वाला हूँ जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल नहीं बना रहा, ग्रुप बना रहा हूँ, उस ग्रुप को आप लोग ज्वाइन कर सकते हो अगर आपके पास हीरो एक्सट्रीम है, और अगर आपके पास कोई और भी बाइक है तो ज्वाइन कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उसके बाद देखते हैं उसके अंदर आगे क्या बातें होंगी। और अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम है हीरो एक्सट्रीम के पार्ट्स से रिलेटेड, या फिर किसी को ऐसा डाउट है कि ब्रेक पैड जो है वो मैं बाहर से डलवाऊँ तो कितने के आएंगे, क्या क्वालिटी रहेगी, कितने चलते हैं, ओवरऑल सारी चीज़ें समझ रहे हो ना, वो उस ग्रुप के अंदर हम लोग कर लेंगे। तो यही था आज की इस वीडियो में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और नहीं पसंद आई हो तो इस वीडियो को डिसलाइक कर देना, लेकिन चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना क्योंकि मैं अपने चैनल पे हीरो एक्सट्रीम और अलग बाइक से रिलेटेड वीडियोस लेके आते रहता हूं। और अगर आपका कोई डाउट हो तो टेलीग्राम का ग्रुप तो मैं बना ही रहा हूं, आप लोग वहां पे आ सकते हो, या फिर अगर आप लोग चाहें तो डायरेक्ट इंस्टाग्राम से आके मेरे से वन ऑन वन चैट कर सकते हो। मैं जितने भी लोग आते हैं उनसे अच्छी तरीके से बात वगैरह होती है, हमारी एकदम दोस्त जैसी बात होती है, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ख़त्म करते हैं इस वीडियो को यहीं पे, जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, स्टे ट्यून।